तो इन्हीं के अंदर एंड क्रॉस डायग्राम्स थोड़े से बना लेते हैं और ये मैंने कहा था ये मुझे सबमिट कर दो काम मोमेंट अच्छा सोडियम और फास्फोरस कर लेते हैं तो अच्छा सोडियम एंड फास्फोरस ठीक है सोडियम हैज Eleven electrons hai. so it is uh, two and eight here one eh, hai. sodium is a metal phosphorus is fifteen electrons hai, periodic table mein. fifteen ka matlab its two then eight and then you have five. तो मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है इट्स टू लूज एग्जैक्टली वन इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस को तीन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ठीक है सो इट 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 इज़ गोइंग टू गेन गेन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वो मैंने कहा था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो दैट इलेक्ट्रॉन इज लास्ट और उसके ऊपर because it has lost one electron so it will have a plus one charge so here yeah, there is going to be this going to be a plus one charge or to say that uh, phosphorus would gain three electrons So, this phosphorus over here, okay, it needs three electrons, so it will gain three electrons and it will have a minus three charge. So, sodium loses one electron, phosphorus gains three electrons. the we simple shortcut here. That the electrons lost and gained are not equal. So, if you have minus three, there should be three sodiums. Okay? So, I'll multiply. It. और अगर ये प्लस वन है तो उधर जाके ना दे शुड बी वन फास्ट वर्स वन से मल्टीप्लाई करने की यू डोंट नीड टू बाय वन क्योंकि अगर ना भी करो तो इट्स स्टिल वन ठीक है तो दे शुड बी थ्री सोडियम्स सो दैट टुगेदर दे एंड अप लूजिंग ईच वन ऑफ देम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन सो इन टोटल दे वुड लूज थ्री इलेक्ट्रॉन्स और फिर इसको तीन इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ठीक है तो so, ये लास्ट शॉर्टकट आपने बीच में यूज करना है ठीक है इज दिस क्लियर सर yes, और एक ही एल्युमिनियम और ऑक्सीजन वाला कर लेते हैं ठीक है सेकेंड तो अच्छा एलुमिनियम एंड ऑक्सीजन ठीक है वन ऑफ दम इज अ मेटल द अदर वन इज अ नॉट मेटल्स मेटल्स लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थर्टीन ठीक है सो इट्स टू एंड एट और फिर थ्री होते हैं और ऑक्सीजन जो है दैट इज

Two electrons' ki khali hai. so it needs two electrons. So aluminium would lose the outer electrons, and it will have a charge of plus three. <coughs> so, ye is एंड ऑक्सीजन विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है for two electrons. रूम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स gain those गेन टू इलेक्ट्रॉन्स अच्छा इट विल हैव अ चार्ज ऑफ माइनस टू ठीक है और वो फिर से इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे कि ज्यादा सोचा नहीं है इधर माइनस टू लिखा हुआ है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो एंड इधर थ्री लिखा हुआ है तो इधर जाके यू मल्टीप्लाई दिस बाय थ्री सो इफ यू हैव टू एलिमियम्स सो इन टोटल दे गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ यू हैव थ्री ऑक्सीजन ईच वन लूजिंग लूजट्रॉस सो इन टोटल ईच वन गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स तो अगर आपके पास तीन ऑक्सीजन होंगे तो गोइंग टू एंड अप गेनिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स गेन एन लॉस्ट ठीक है सो रिमेम्बर के आय एक लाटेस्ट कहता ना दिज आइन्स विल बी प्रेजेंट इन सर्टेन रेशो ठीक है और वो रेशो इससे पता लगता है ठीक है दिस इज मतलब इसको एल टू ओ थ्री कहेंगे ठीक है इसका फॉर्मूला इस तरह होगा दिस वन वुड बी एन ए थ्री पी ठीक है कंपाउंड होगा जुड़े हुए होंगे तो यू कॉन्ट यूज अ स्मॉल थ्री ठीक है एन ए थ्री पी and so on this is mg3 n2 this is known as the this is this is known as the formula unit this is known not as a formula its proper this is known as the formula unit it's the ratio of the ions it's the simplest ratio of the ions in the lattice तो ये एक्चुअल अच्छा लंबे नहीं होता इट्स द इट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आय इन द आयोनिक लैटिस। तो फार्मूला यूनिट जो होता है वो बताता है कि ये लैटिस सबने पहले पढ़ा था कि जैसा फॉर एग्जाम्पल ये आयोनिक लैटिस

और ये साथ क्या है दिस इज फॉस्फरस ये दो आइन है हमेशा याद रखना, रखेंगे तो नेगेटिव आयन के एंड पे आई डी आ जाता है ठीक है? इसी तरह ये कौन सा है दिस इज एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन तो एंड वाला पार्ट जस्ट दैट जस्ट टर्न्स इनटू आईडी दैट से ठीक है उसी तरह ये सारे लिथियम और सल्फर जो होंगे ना इसको रूप में कम लिथियम सल्फाइड एंड यू हैव गॉट से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है तो द पॉजिटिव आइन का नाम इट रिमेंस रिमेन्स एक्जैक्टली सेम तो इसका जो एंड पार्ट होगा ना दैट विल बिकम नाइट्राइड ठीक है तो आई डी जैसे आई डी एट दी एंड ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ठीक है और इसी तरह बाकी सारे जो पिछले भी किए थे ना लिथियम एंड टू बी कॉल्ड लिथियम फ्लोरिन नहीं होगा वैसे तो फ्लोरिन था लेकिन इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड नेमिंग no right, क्लियर है? <coughs> है जी sir. अच्छा अब इसमें ये कि फॉर्मुलस में हम बात में आते हैं हमने इसकी आने कंपाउंड्स उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कर ली थी सारी ठीक है वॉट टू डू एटसेट्रा वी हैड We had discussed in detail, and I told you that metal or non-metal. metal loses electrons, non-metal gains electrons. Okay. So now we're going to move to the other type of bonding, which is covalent. yeah. As a covalent covalent molecules, Carlo. Okay, the molecule, Between let me just tell you the difference that uh, molecules are basically uh, it could be any uh, simple covalent molecule where two or more atoms are joined together covalently. That's our uh, simple. So, any simple molecule, anything, two atoms joining together, that's a molecule. Uh, compound your word that's used when uh, there are two different elements joined together. Uh, compounds could be covalent or they could be. आयोनिक एस्पेम. बस दो अलग-अलग चीजें आपस में बॉडेड होगी ना, two different atoms, that's going to be called a compound. <coughs> I said normally for covalent substances you, you use the term molecules, ठीक okay? है? I said what's a what's a covalent molecule? How does how how is uh, a covalent bond formed? ठीक है? तो इसके अंदर सिर्फ नॉन मेटल्स होते हैं ओनली नॉन मेटल्स are इन्वॉल्व ठीक है ओनली नॉन मेटल्स are present. और इसमें होता है ये कि हमने पहले पढ़ा था कि नॉन मेटल्स व्हाट डू दे लाइक टू डू uh because non metals they like to attract electrons they like to gain electrons they have a stronger attraction for electrons the non metal hamesha it's looking to attract electrons or what? these of k raha electrons so when it is non metals if i pick any non metal just i'm just going to draw outer shells here iske da pure shell draw a shells zaroorat I <laughs> so if I have two nonmetals and let's say those non-metals are Cl. I C L group seven hai, so that means it's got seven valence electrons. And there's the other atom which is also Cl. So it also has seven. Valence electrons as a CL is a non-metal likes to gain electrons and it likes to gain one electron one electron is like one electron even if it wants to gain two electrons it cannot gain two electrons because there's not enough room there's only space for exactly one electron the other one also likes to OCL it likes to gain one electron a each left atom and it will try to gain the other atom's electron. Right, that's also CL. So that will try to gain the other atom's electron. So they're both trying to fight over electrons. They're both trying to attract electrons. And the result is because they're both CL atoms and they both have an equal force, they have an equal attraction for electrons. What eventually happens is electrons. <laughs> one of them is trying to pull the electron towards itself the other one is trying to pull the electrons towards itself at the end of the day if two people are fighting over one thing will beat me so at the end of the day what happens is that these two electrons they just get stuck in the middle They get stuck in the middle one atom is trying to pull the electron towards itself and the other one is also trying to do exactly the same. And hmm. since they are applying equal force, hmm. these hmm. two electrons, both of these electrons are stuck exactly in the middle. Okay. So this bond is exactly like this. Two people keep one thing in the middle, one pulling towards the right and one pulling towards the left. Okay. The I mean, let me draw it too. So the covalent bond is the मतलब वो, वो जुड़े हुए क्यों है आपस में वो जुड़े हुए कि right और ये इसको इधर खींच रहा है तो ये चीज जो है एग्जैक्टली बीच में रहेगी अगर वो इक्वल फोर्स से खींच रहे और वो दोनों बंदे उस चीज साथ चिपके रहेंगे ठीक है मतलब वो तो एक वो बॉन्ड बन गया ठीक है तो so you see that both cl atoms are basically sticking together because they're both attracted to these two electrons. okay. so covalent bonding, a basic idea, clear? yes, sir. <coughs> is it clear? i clear? Is it clear? No, clear. No, clear. Yes, sir. i said that's what a covalent bond is. i was just simplify it, Similarly, if similarly, if you have, if an atom needs two electrons, oxygen hai. Achha, oxygen that's in group six so jo oxygen hai, achha, hai ke it, it's in group six so it's got two valence electrons six valence electrons and let's say there's another oxygen atom. So let's say there's another oxygen atom. And that too has uh, six valence electrons. Group six or group six methum outermost shell. I said both oxygens, uh, how many electrons do they need? They both strongly attract electrons and they need two electrons. They have room for two electrons. I said isko, ये जो right वाला oxygen है ये वाला इसको इसके electrons नजर आते, it will try and pull those electrons towards itself. ये वाला जो left वाला oxygen है, उसको electrons नजर आते and it starts to pull on those electrons. दोनों एक दूसरे के electrons gain करने की कोशिश and they start fighting over them. And at the end of, end of the day, what's going to happen is that the electrons would remain exactly where they are. ठीक है. They will start sharing electrons. the electrons are going to get stuck right in the right in the middle so the electrons are like are stuck exactly in the middle and that's what a covalent bond is that's a that's a double covalent bond. yes jo tha that was a and So the covalent bond hai yeah, kya it's it's basically it's basically the sharing of electrons between sharing of electrons between two atoms acha aur uspe bond kya matlab the, why are they why they're sticking together because uh, uh, the shared electrons attract the positive nucleus of both atoms, keeping them together.

Very, very तो यह, वेरी वेरी कि चाहिए? चाहिए था तो शेयरिंग कितनी की एक की ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे दो चाहिए थे so, कितने की? की, तो बेसिक द रूल एज दफ एन आइटम नीड्स One electron, it's going to share one electron. If it needs two electrons, it will share two electrons. So example rule may score group four non-metals start or Group five. I've got group six. And I've got group seven hai. As I said group four joe, that will share four electrons. It will need four electrons. i group four. Mein, तो इट हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसको चार इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होंगे ठीक है अगर वो ग्रुप फाइव में इट्स गोइन टू शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स इफ इट्स इन ग्रुप सिक्स इट्स गोइंग टू शेयर एंड इफ इट्स इन ग्रुप सेवन इट्स टू शेयर वन इलेक्ट्रॉन ठीक है, six, seven, electron, है? <coughs> तो हमें सारों का पता लग गया कि हुए शेयर हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स ठीक है by just looking at the group number TK if I have a pure table those exact who's going to share how many electrons TK th and that's basically the number of bonds that they're going to form TK th so that is that is the number of bonds that they're going to form this one will form four bonds E three bonds this one will form two bonds. While this one will form one bond, TK. Okay? So I know who's going to make how many bonds. I said, so instead of drawing all these dot and cross diagrams initially, TK, okay, what we're going to do is K okay, draw structural formulas. और उसके बाद एंड देन ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस टाइगर अच्छा इसका मतलब ये कि इसका मतलब है कि डोंट ट्राई टू डायरेक्ट डायरेक्टली स्टार्ट ड्रॉइंग सर्कल्स ठीक है मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला As I have for example, I have C S F two I have to draw the dotting cross diagram for this one. So uh, uh the way you're gonna do this is if you have C S F two, so how would you draw the dotting cross diagram? Top ka gaya? के is in group 4. So since, अच्छा सी एस एफ टू तो वट एवर यू टू एस कि आप टेबल खोलोगे कार्बन को देखोगे पहले कार्बन इज इन ग्रुप फोर ठीक है सो सेंस अच्छा सेंस कार्बन इज इन ग्रुप फोर उसका मतलब है फोर बॉन्ड्स बनाएगा ठीक है रूल क्या है कि कार्बन ने फोर बॉन्ड्स बनाने हैं सोम गोम राइट यहाँ पे छोटा सा लिख लूंगा कामन मेक्स फोर बॉन्ड्स रूल हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि अगर किसी आइटम को चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना तो वो चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा अच्छा सल्फर किस में सल्फर ग्रुप सिक्स में है शायद इफ यू है लुक एट सल्फर तो सल्फर ग्रुप सिक्स में है तो ग्रुप सिक्स वाला कितने बॉन्ड्स बनाएगा उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो दो बॉन्ड्स बनाएगा ठीक है सो सल्फर इज गोय

उससे भी एक ही बॉन्ड ना लें और वो उसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया ठीक है तो ये मेरे दोनों फ्लोरिन जो है ना ये है, है। तो मैंने कर लिए ठीक है बीच में ऐड कर लिए ईच फ्लोर मेक्स वन बॉन्ड सो इट्स मेकिंग वन बॉन्ड और वो दोनों मैंने के साथ ही जोड़ दिए जो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा था उसको मैंने बीच में रखा हुआ है अच्छा पीछे सिर्फ सल्फर रह गया दिस वन सल्फर अब सल्फर कितने बॉन्ड्स बनाते हैं सल्फर इज टू टू मेक बॉन्ड्स कार्बन को मजीद कितने बॉन्ड्स चाहिए उसने चार पूरे कर लेना तो, तो मैं ये करूंगा कि सल्फर के जो बाकी सल्फर ने दो बॉन्ड्स बना ले तो वो दोनों इसी के साथ बना ले ठीक है तो सल्फर भी हो गया क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं मेरे पास समझ ये ये चार चीजें थी एक सल्फर था दो फ्लोरीन थे वो एंड में सल्फर रह गया था उसको दो बॉन्ड्स बना लेते तो मैंने कार्बन के साथ बना लिए तो मेरा स्ट्रक्चरल फार्मूला इज करेक्ट नाउ क्योंकि कार्बन इज मेकिंग फोर बॉन्ड्स फ्लोरिन वाज़ सपोज्ड टू मेक वन बॉन्ड एक दूसरा फ्लोरिन भी प्रॉब्लम में था सो इट सपोज्ड टू मेक वन बॉन्ड एंड सल्फर वाज़ सपोज्ड टू मेक टू बॉन्ड्स तो वो डबल बॉन्ड आर यू सेइंग हियर ये समझ आया कि हाउ आईDrew द स्ट्रक्चरल फार्मूला जी सर और इसकी प्रैक्टिस है क्योंकि ये, ये लेगो की तरह है पजल की तरह यू हैव टू सॉर्ट इट आउट तो इसके लिए यू नीड सम प्रैक्टिस पहली दफा हाँ गलत बनेगा लेकिन वो सर्कल बनाने से पहले ये कर लो अच्छा नाउ ड्रॉइंग ड्रॉइंग क्रॉस डायग्राम वुड बी वेरी इजी ठीक है आप क्या करोगे सिंपल ऊपर वाले को फॉलो करो बीच में कार्बन है अच्छा फिर ऊपर एक फ्लोरिन है तो ये फ्लोरिन मैंने ऊपर लगा दिया अच्छा फिर यहां पे आई हैव अच्छा आई हैव अनदर अदर फ्लोरिन एंड आई हैव सल्फर ठीक है तो ये सारे मैंने बीच में चोट दिए So I have carbon, I have fluorine. Exactly you see order, by the way, it's the structural formula is electrons beech add karna, sugar Carbon and fluorine ke beech me, there's a single bond. So there's a sharing of one electron each. Carbon and fluorine, the other one also has a single bond. Okay. Okay, carbon and sulfur have a double bond. This ka matlab hai ke, there's going to be uh Four electrons to each shade. Sure it's gonna shade karo. Just to differentiate. Okay. Give a sulfuric electrons. Each atom should preferably, uh, each element should have preferably its own symbol. TK. Okay. Do so, you clear exactly when follow? Okay. Is that clear? Yes, sir. Yes, okay, sir. And final, last kaam कि आपने वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप कर लेने ले। ठीक है यानी कार्बन ग्रुप फोर में था ना फोर बॉन्ड्स बनाना था ग्रुप फोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फोर होते हैं फोर बॉन्ड्स बना लिए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए खत्म हो गए तो इसका मतलब इसके पास पीछे कुछ नहीं बचा हुआ ठीक है सल्फर जो है वो ग्रुप सिक्स में था इट है कितने किए दो ने किए इसका मतलब है छह इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास लेकिन ओनली टू बॉन्डेड सो फोर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट मेक श्योर यू ड्रॉ दस फोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जो डिपेनिंग है फ्लोरिन ग्रुप सेवन में था उससे सेवन का मतलब है सेवन इलेक्ट्रॉन्स इट इट्स आउट एर बट ओनली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो सेवन इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास एक नहीं पॉर्डे तो छः पाँच गए पीछे तो आप इसके बाकी छे जो है ना दो तीन चार पाँच छ और इसके पीछे एक दो तो, वो ड्रॉ कर लो ठीक है <coughs> तो आपका अब आप जाके ना डॉनिंग क्रॉस डायग्राम कंप्लीट हुआ इसका डॉनिंग क्रॉस डायग्राम इट्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू आयोनिक है इसी था इसका मुश्किल है ठीक है इसमें फिगर आउट करना तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर जंप ना करो हमेशा जब वो फॉर्मुला देकर मेक शो यू ड्रॉ दिस ताकि आपको पता लग जाए मेकिंग हाउ जाएंगा एंड देन ट्रांसलेट दैट इनटू दिस ठीक है तो इसकी अगली क्लास में फिर हम थोड़ी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे ये लेकिन क्लियर है ठीक है सर ठीक है तो, तो ये आ, एक और ये भी क्लास वर्क ही समझो अगर इसको कर सको तो मुझे भेज दो uh, ये मैं भेज रहा हूँ इट्स इट्स सी टू एच टू अच्छा एच यहाँ पे नहीं हुआ एच के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है hmm. तो एच bond उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये सी टू एच टू का ना डॉनिक्रॉस टाइगर मेक ट्राई एंड दिस इन सैनिट ठीक है अभी कोशिश कर लो ठीक है ये फिर मैं उस पर व्हाट्सएप वेट करूँ ट्राई ड्रॉइंग सी टू एच टू और मुझे प्लीज ई मेल्स भेज दो ताकि मैं इस पे ना पर ना वन नोट पे ऐड कर दो ठीक है तो शाहजेब दुआ विशाल ये मुझे भेज दो प्लीज नौशेरा भेज देना सी टू एच टू सर मैं आपको कुछ टाइम बाद भेज दूँ क्योंकि अभी मेरी फॉरेन मैथ्स की क्लास है केमिस्ट्री क्लास के चला। बाद चल ठीक है ओके सर ओके चल ठीक है ओके एवरीवन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़